अपने नए वीडियो पे बात करेंगे और हमारा जो नया लेसन है वो है शिक्षण प्रविधियाँ। ठीक, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आप प्रश्नोत्तर प्रविधि है और विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, उदाहरण खेल प्रविधि, निरीक्षण अवलोकन प्रविधि। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेट सी टेट में अक्सर क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में तो क्वेश्चन लगभग आते ही हैं इसमें, एक या दो नंबर में। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही इसी टॉपिक पे है, शिक्षण प्रविधियाँ। तो देखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं, बात करते हैं उस पर। तो हम सभी के विद्यालय महाविद्यालय स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे, तो ये सब तो यूं ही लिखा है, आपको मेन चीज़ें पढ़ाते नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसा हो इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक, पाठ्यवस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है इसका निर्धारण शिक्षण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक थ्रिंग महोदय हैं, उन्हीं के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे करें। ठीक, तो ऐसे ही आगे MP मॉफेट महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षण प्रविधियों की बात हो चुकी है कि शिक्षण प्रविधि क्या है, कि जिसके द्वारा हम अपनी शिक्षण जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको इतनी सरल बना सकते हैं कि जो छात्र होते हैं शिक्षण की जो क्रिया होती है उसमें आसानी से भाग ले सकें और एक प्रकार से वो बोर ना हो। ठीक, और जो भी पढ़ाया जा रहा है किसी शिक्षक के द्वारा उनको समझ में आ जाए, तो शिक्षक ऐसी प्रविधियों या ऐसी विधियों का उपयोग करेगा शिक्षण के दौरान कि जो छात्र होते हैं उनको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो ये कोई रटने पर आधारित नहीं है, ये सब एकदम प्रयोगात्मक कह सकते हैं या व्यवहारिक कह सकते हैं, उस पर आधारित है। ठीक, ये विधियाँ। आगे हम बात करते हैं कि जो पहली जो प्रविधि है वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक, पहली जो प्रविधि है वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है, जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित नए प्रयोग किए हैं, ये तो आप लोग देखते हैं, और आविष्कारों से ज्ञान जगत को समृद्ध किया है। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को नियोजित स्वरूप दे सकता है। ठीक, इसमें क्या है कि शिक्षक मतलब कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है तो छात्रों के सामने कुछ ऐसे रोचक प्रश्न रखें जिनको सुनकर छात्र को ऐसा लगे कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें उस प्रश्न को सुनते ही छात्र के अंदर उसके उत्तर को जानने की रोचकता जागृत हो जाए और वो टॉपिक वो अपनी जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो जो छात्र रहेगा वो टॉपिक आसानी से पढ़ेगा। तो इसलिए शिक्षकों को जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है उसका प्रयोग करना चाहिए। यहीं पे पारकर महोदय ने कहा है कि प्रश्न आदत। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारकर महोदय ने कहा है, ये इसको आप याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न आदत कौशल के स्तर के ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। ठीक, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वास्तव में इस विधि का जन्मदाता जो है सुकरात को कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए। और इन्होंने इसके 3 सोपान बताए हैं, निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न का प्रारूप कैसा होता है। देखिए प्रश्न कैसे होता है, भाई कौन लगाकर हम प्रश्न कर सकते हैं। आपने प्रश्नवाचक शब्द को सुने में जैसे क्या, कौन, कब, क्यों, तो बस उन्हीं से यही शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक, तो ये प्रश्नों का रूप हो सकता है। आगे है प्रश्न विधि का महत्व क्या है। तो भाई जिज्ञासा उत्पन्न करने में, रुचि व एकाग्रता उत्पन्न करने में, चिंतन, पाठ विस्तार, समस्या समाधान की क्षमता, शिक्षण मूल्यांकन, नवीन ज्ञान से संबंधीकरण, सक्रियता और कक्षा अनुशासन, तो इन सब में प्रश्न विधि का बहुत ही महत्व है। ठीक, आगे है कि प्रश्न प्रविधि जो होती है शिक्षण को सहज व क्रमबद्ध करती है और इसके लिए आपको कुछ बातें जानना चाहिए, जैसे प्रश्न क्या हो, अगर प्रश्न भाई सरल तथा स्पष्ट हो। ठीक है, प्रश्न जो होते हैं वो पाठ्यवस्तु से ही संबंध हो या नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर आउट ऑफ टॉपिक हो।
प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, किसी एक बालक से हमें नहीं करना चाहिए, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए भी करना चाहिए और शिक्षण स्तर के अनुकूल हो और प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। ठीक, तो ये बात प्रश्न प्रविधि सी हो गई। आगे काउलर महोदय हैं, काउलर महोदय ने कहा है कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि लगभग आप लोग समझ चुके होंगे और प्रश्नों के प्रकार यहाँ पे जैसे लिखा है कि प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक, समस्यात्मक, तो ये तो अलग की बात है, ये तो नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी अगली विधि पर चलते हैं, वो है विवरण विधि। ठीक दोस्तों, वो कौन सी विधि है, वो है विवरण विधि। ठीक, तो ये यहाँ पे विवरण विधि है, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या है कि भाई शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कथन विधि को और क्या कहते हैं या विवरण विधि को और क्या कहते हैं, तो आप लोग कथन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें ज्ञात से अज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए। तो उदाहरण विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, जैसे कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं और ये किसने बनाया, तो ये विवरण विधि के द्वारा ही संभव है। ठीक, तो बाकी इसमें एक और कथन इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर रविशंकर मेनन क्या कहते हैं कि विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। ठीक, आगे देखते हैं कि विवरण विधि से शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये सब तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता कि कौन सी सावधानियाँ हैं, डायरेक्ट आपसे प्रविधि पूछेगा या उससे रिलेटेड कुछ और पूछेगा कि ये प्रविधि किसके द्वारा लाई गई अस्तित्व में। ठीक है, तो इसी के बाद हमारी जो अगली विधि है या अगली प्रविधि है वो है वर्णन विधि। ठीक, इसमें देखते हैं क्या है कि शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, क्योंकि भाई वर्णन करेगा तो शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहेगा, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण जो होता है प्रभावी हो जाता है। ठीक, अब वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के कुछ तरीके हैं, जैसे चित्र मॉडलों द्वारा आप वर्णन विधि को प्रस्तुत कर सकते हैं, या भ्रमण के द्वारा, या प्रयोग के द्वारा। ठीक, तो ये थी हमारी वर्णन विधि। आगे ऐसे ही व्याख्या देखते क्या है। ठीक, तो भाई व्याख्या क्या कहती है कि भाई किसी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। ठीक, किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल प्रश्नों को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समास को जैसे आप ले सकते हैं। ठीक, कि समास को अगर समझाना है तो आप बताइए कि समास दो शब्दों से मिलकर बना, सम, धन, अस। सम का अर्थ क्या होता है, समीप, और पास, अस का अर्थ होता है बैठना। तो जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या दो या अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए उसे सामासिक पद कहते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या विधि। अब हम लोग अपनी अगली प्रविधि की ओर देखते हैं, वो है स्पष्टीकरण प्रविधि। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु विषय घटना को अच्छी तरह से समझाना क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण। ठीक, स्पष्टीकरण क्या है, जैसे छात्र कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया, यही क्या है, छात्र के समझ में आ गया, यही तो स्पष्टीकरण है। ठीक, कि किसी वस्तु विषय घटना को अच्छी तरह से समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहते हैं। अब आप ये याद रख सकते हैं कि स्पष्टीकरण प्रविधि को और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसको उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। और यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है, क्योंकि भाई कठिन टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कोई आपके सामने उस कठिन टॉपिक का स्पष्टीकरण कर देता है, तो वो जो टॉपिक होता है जटिल वो सरल हो जाता है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्य वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर लें और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें। इसके लिए चित्रों, ठीक है, मॉडलों, श्याम पट्ट लेखन को माध्यम बनाया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण विधि से शिक्षक की सफलता इस बात में नहीं थी कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, ताकि उसे समग्र रूप से अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत कर सके। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आई होप यहाँ तक इस जो अभी जितना पढ़ाया है ये समझ में आया हुआ है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक,
तो आगे चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो आगे है यहाँ पे लिखा है स्पष्टीकरण विधि से लाभ, देख लेते हैं एक बार। तो स्पष्टीकरण विधि से क्या लाभ है, तो प्रत्येक पहलू का ज्ञान हो जाता है, क्रमबद्धता व तार्किकता आ जाती है, और ज्ञान की समग्रता और प्रत्येक बिंदु का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रविधि है, वो है कहानी कथन प्रविधि। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझ लीजिए। तो कहानी कथन प्रविधि क्या है कि भाई शिक्षक कहानी के द्वारा अपनी बात को शुरू करता है, किसी टॉपिक को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है जिससे छात्रों को समझ में आ जाए। तो एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी, जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियाँ हम मतलब अपने दादा या नानी से सुने होंगे बचपन में, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें हमें अभी भी याद हैं, और यही विधा कहानी कथन कहलाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सीखेंगे। कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा, क्योंकि बच्चे भाई कहानी सुनते हैं तो एकदम शांति रहती है और उनमें जिज्ञासा भी जागृत होगी। यह विधि मुख्यतः मौखिक ही होती है। तो कहानी कथन प्रविधि कैसी होती है, मौखिक होती है, यहाँ से आप लोगों ने जाना। इसके बाद देखते हैं कहानी जो विधि का महत्व है वो क्या है, कहानी विधि का महत्व। तो भाई कहानी सुनाएंगे कि एकाग्रता बनेगी, बढ़ेगी, या एकाग्रता का विकास होगा, कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, आप उसके बारे में और सोचेंगे, और अधिगम की तीव्रता। ठीक, कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है, और इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि हम कहानी कथन जो प्रविधि उसको कैसे प्रभावी बना सकते हैं। तो पहला है, कहानी कथन जो हो वो बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, और जो कथन भाषा सरल हो, और प्रसंग के अनुसार हाव भाव आरोह अवरोह हो। ठीक, कहानी कथन के साथ पाठ्य सही सामग्री का भी प्रयोग होना चाहिए, और कहानी कथन के बाद अधिगमकर्ता से बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछे जाएं। ठीक, तो ये थी कहानी कथन प्रविधि। इसके बाद आती है निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, देखते हैं ये क्या होती है, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। तो यह तथ्य पूरी तरह स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं है। ठीक, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल पाठ्य वस्तुओं घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा। वास्तव में किसी वस्तु स्थान कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है। सभी विषयों में विशेषकर विज्ञान कृषि तथा समाज विज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी है। समझना परखना ही इस विधि का मूल तत्व है, इसका निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि का। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी। अब हमारी अगली प्रविधि आती है उदाहरण प्रविधि। ठीक, किसी कठिन और गूढ़ तथ्य घटना वस्तु को सामग्री प्रसंगों अनुभवों के द्वारा अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता साहस बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जा सकता है। तो उदाहरण विधि सरल है, ठीक है, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। इससे उदाहरण की सहजता उसका सबसे बड़ा गुण है कि शिक्षण कार्य जितने ज़्यादा उदाहरणों दृष्टांतों से समझा जाएगा वह संप्रत्य छात्रों को पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। आपने भी देखा होगा कि कोई साइंस में जैसे क्या होता है कि कोई ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कभी कभी नहीं समझ में आते, लेकिन हमको उदाहरण मिल जाता है तो वही सिद्धांत एकदम आसान हो जाते हैं, हम उनका आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो सरलीकरण, बोधगम्यता, रुचिपूर्णता, अधिगम, लगभग महत्व और उपयोग अधिकतर थोड़े बहुत पॉइंट सेम ही होते हैं। उदाहरण विधि का प्रयोग कैसे करें, तो भाई उदाहरण क्या होना चाहिए, हम सरल व स्पष्ट लें, और उदाहरणों में विविधता हो, एक ही तरह ना हो, नहीं तो बच्चे फिर उदाहरण से ही बोर हो जाएंगे। और उदाहरण उनके स्तर के अनुकूल हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और सरल से कठिन या ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख हो। ठीक, आगे एक और हमारी प्रविधि है, वो है खेल विधि। इम्पॉर्टेंट ये भी है खेल विधि। तो देखते हैं सबसे पहले ह्यूजेस एवं ह्यूजेस ने क्या कहा है। कहा है कि यह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः यह खेल विधि कहलाती है या क्रीड़ा विधि कहलाती है। तो खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप में व्यक्त करता है। ठीक, और खेल में सीखो यह कथन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को संकेत करता है। इस विधि में परंपरागत शिक्षण को नवीन दिशा दी है जिससे शिक्षण ज़्यादा रुचिपूर्ण हो गया है। ठीक, अब रायबरन महोदय उन्होंने इसके महत्व को बताते हुए कहा है कि यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहन करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है।
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर व्यक्तित्व को संतुलित करती है। खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्री प्रयोग करें और अभिनय को शामिल कर दें तो शिक्षण जीवन से सहसंबंधित होगा और रुचिकर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद हमारी जो अगली विधि है वो है समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि क्या है भाई, इसमें एक टॉपिक ले लेते, कई सारे लोग होते हैं, उस पर बात करते हैं, वही क्या हो जाती है समूह चर्चा विधि। देखते हैं, किसी विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षण करने से सुनने समझने का कौशल क्या होता है, विकसित होता है। आगे इसका महत्व क्या है भाई, अगर समूह चर्चा विधि होती है तो भाई एक सामाजिकता आएगी, लोकतांत्रिक ज्ञानवर्धन और स्वतंत्रता। तो ये पॉइंट उसके महत्व को दर्शाते हैं समूह चर्चा विधि के। और यह विधि भाई अधिगम पर ज़्यादा जोर देती है। समूह में चर्चा करने के लिए एक ओर जहाँ खुलकर अभिव्यक्ति का अवसर होता है, वहीं दूसरी ओर विषय भी स्पष्ट होता चलता है। ठीक, समूह चर्चा क्या है कि अगर हमको कोई टॉपिक नहीं भी आता है, थोड़ा भी आता है, तो सामने वाले को अगर वो टॉपिक आता है उस पर चर्चा कर रहा है, तो हमें अधिगम हो सकता है कि जो हमको पता है उस चीज़ के बारे में उससे ज़्यादा उसके वक्तव्यों को सुन के नॉलेज हो जाए। ठीक, इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सहभागिता एवं सक्रियता रहती है इन दोनों की, और कक्षागत अनुशासन भी बना रहता है और तर्क आदि मानसिक संक्रियाओं का जो अभ्यास बारंबार अभ्यास भी हो जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली विधि आती है या अगली प्रविधि आप कह लें, वो है प्रयोगात्मक विधि। ठीक, तो नाम से स्पष्ट है कि भाई प्रयोगात्मक मतलब कोई चीज़ जो है वो सिखाई जाती है कैसे, प्रयोग के द्वारा। ठीक, तो इस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए, मतलब जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इस विधि का भाई आधार वैज्ञानिकता एवं तार्किकता है। आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि प्रयोगात्मक विधि का जो आधार क्या है, वैज्ञानिकता और तार्किकता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय एवं एकाग्र रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम स्थायी होता है। इस विधि में बालक की समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, इसलिए सीखना सहज व सरल हो जाता है। ठीक, तो आगे जो इम्पोर्टेंट था वो तो इस प्रविधि इस मतलब विधि को आप लोग को समझना था। तो प्रयोगात्मक विधि क्या होती है आप समझ चुके हैं, और विधि प्रयोग विधि का उपयोग मतलब किसी वस्तु के बारे में जानना हो तो क्या क्या करेंगे भाई, कि वस्तु देखने में कैसी है, वस्तु का रंग कैसा है, अगर किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे उन पर आप प्रयोग करेंगे। ऐसे ही देखते हैं हमारी आगे जो प्रविधि है, वाद विवाद प्रविधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता, अगर कोई एक विषय है तो महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है तो दूसरा विषय है नहीं है। आप लोगों ने डिबेट सुना होगा तो बस वही है वाद विवाद प्रविधि। इसमें क्या होता है, एक पक्ष होता है तो एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, समझ गए। तो जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं जिनके अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, इसी विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, प्रसंग तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और सुनने बोलने का कौशल विकसित होता है। आती है वो है कार्यशाला प्रविधि या वर्कशॉप टेक्निक। तो कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान अनुभवों व कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि भाई कार्यशाला प्रविधि क्या होती है। तो शिक्षण अपने शिक्षण में सफलता पाने के लिए भाई अनेक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। कार्यशाला प्रविधि ऐसी ही एक प्रविधि इसकी सहायता से छात्रों में क्रियात्मक पक्षीय उच्च अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं। कार्यशाला शब्द का प्रयोग अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। ठीक, जैसे रेल वर्कशॉप, सड़क परिवहन कार्यशाला आदि, जहां तक रेल इंजन व बसों को निर्मित करने व उनकी मरम्मत की व्यवस्था होती है, कार्य करते हुए ही यहां पर सीखा जा सकता है। सबसे पहले देखें कि कार्यशाला का अर्थ जो जरूरी है सीखना या जानना। कार्यशाला एक प्रविधि है, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। इसमें छात्र वास्तविक रूप में सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, अतः प्राप्त ज्ञान जो होता है स्थायी, विश्वसनीय व उपयोगी होता है। और इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोगिक कार्य द्वारा ज्ञानार्जन को अधिक महत्व दिया जाता है।
ठीक, तो ये थी कार्यशाला का अर्थ। अब देखते हैं कि डॉक्टर प्रीतम सिंह के अनुसार कार्यशाला की परिभाषा क्या है। तो ये कहते हैं कि कार्यशाला आमने सामने का एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नज़दीक तथा प्रत्यक्ष होती है और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। तो ये डॉक्टर प्रीतम सिंह के अनुसार हमारी कार्यशाला की परिभाषा थी। ऐसे ही शिक्षा शब्दकोश के अनुसार आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर करते हैं। तो आगे प्रयोगशाला प्रविधि का उद्देश्य क्या है? तो एक तो यहाँ पे आप ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक। एक इससे पहले आप ये जानिए कि कार्यशाला का मूल मंत्र है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना, ठीक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? कि शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना, किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना, शिक्षण उद्देश्यों एवं विधियों का निर्धारण करना तथा उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तो ये थी ज्ञानात्मक उद्देश्य। ऐसे ही क्रियात्मक उद्देश्य पढ़ लीजिए वो भी आप लोग, कि शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, समूह में कार्य करने व सहयोग की भावना का विकास करना, शिक्षण की प्रभावी विधियों व प्रविधियों का निर्धारण करना, शिक्षा व शिक्षण में नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना, शिक्षण कौशल का विकास व सुधार करना। तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य बिल्कुल आसान है, पॉइंट वाइज है, तो सिंपली आप लोग समझ जाएंगे। आगे कार्यशाला के क्षेत्र की बारे में बात करें कि कार्यशाला का क्षेत्र, तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला प्रविधि बेहद उपयोगी है। इसका प्रयोग शिक्षण में व्यापक रूप से किया जा सकता है और इसके क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं, जैसे पाठ योजना के नवीन प्रारूप बनाने हेतु या क्रियात्मक शोध के प्रयोग हेतु या पाठ योजना में प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में लिखने हेतु, ठीक है, और नवीन प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्नों व प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु या विविध प्रकार की प्रश्नावली के निर्माण हेतु ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि शिक्षण कार्यशाला में शिक्षण का क्रम, कार्यशाला में शिक्षण का क्रम कैसे होता है? तो भाई सबसे पहले प्रकरण हो या समस्या का चयन, प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, इसके बारे में, उसके बाद पाठ पर आधारित कार्य समूहों में भी हो सकता है, और इसके बाद क्या है कि कार्य के विविध तौर तरीकों का प्रयोग एवं अभ्यास, फिर वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान, फिर सहभागियों के साथ कार्य, फिर कार्य या तैयार सामग्री की जाँच परीक्षण या निरीक्षण, उसके बाद निष्कर्ष, ठीक। तो ये था क्रम। तो ये सब उतना जरूरी नहीं है, मेन था कार्यशाला प्रविधि क्या होती है, उद्देश्य क्या है, ठीक। और इसके बाद महत्व की बात करें तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण व संतुलित विकास करना है। अतः शिक्षक का प्रमुख दायित्व यह है कि वह विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे प्रत्येक बच्चा स्वयं सीखने में रुचि ले व तत्पर रहे। सीखने का ऐसा वातावरण बनाने में कार्यशाला प्रविधि अत्यंत उपयोगी है। इसमें वास्तविक परिस्थितियों में छात्र समस्या समाधान का प्रयास करते हैं और स्वयं करते हुए सीखते हैं, और सीखने के लिए यह अध्यापक पर निर्भर नहीं रहते हैं और समूह के सदस्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हुए नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये थी कार्यशाला विधि। ऐसे ही आगे एक इम्पॉर्टेंट प्रविधि है, वो है भ्रमण प्रविधि या भ्रमण विधि। तो भ्रमण का आशय क्या है कि भाई घूमना, स्पष्ट है। तो इस विधि में स्थलों वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है और इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहा जाता है। भ्रमण के पश्चात सीखी गई बातों का लेखन अवश्य करना चाहिए ताकि जो हमारी ज्ञान हो वो क्या हो, स्थायी हो, ठीक। तो भ्रमण विधि से क्या भाई सीखना रुचिपूर्ण लगता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, विभिन्न सांस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है, सीखने में स्वतंत्रता। साथ आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।